पीएम मोदी ने कानपुर हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें कि 27 लोगों की मौत हुई है, उस पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने जनहानि पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो उसी के साथ बड़ी और अहम जानकारी, पीएम मोदी ने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। तो जिन 27 लोगों की मौत हुई है उनकी आर्थिक मदद का ऐलान पीएम द्वारा किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद जो है दी जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान पीएम मोदी द्वारा किया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पीएम मोदी ने कानपुर हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने जनहानि पर गहरा दुख जताया है और इसी के साथ आर्थिक मदद का भी ऐलान पीएम मोदी द्वारा किया गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं पीएम द्वारा व्यक्त की गई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पीएम ने आर्थिक मदद का जो है ऐलान किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान यहां पर किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, कानपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई है और अब पीएम ने इसमें दुख जताया है और उनकी आर्थिक सहायता की जो है बात कही है, उसका ऐलान किया है, जिसमें मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की धनराशि जो है यहाँ पर दी जाएगी। एक बार से लेकर पूरी जानकारी। आपने यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कानपुर हादसे की, तो कानपुर हादसे को लेकर एक बड़ा हादसा बताया जा रहा है। यहाँ तक कि इनकी इस हादसे के अंदर लगभग 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें या फिर कहें यूपी के सीएम की बात करें, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं दुख जाहिर किया है और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो मरने वाले हैं उनके परिवार को सांत्वना देने के साथ साथ उन्होंने मुआवजे का भी ऐलान किया गया। मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की बात की गई और घायल है उनको 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की बात की गई है। मगर यहाँ पर जिस प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इस हादसे को कहीं ना कहीं एक दुखद हादसा बताया और कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको कहीं ना कहीं कहते हैं इस दुख से उभरने के लिए कहीं ना कहीं सांत्वना देती हुई बात जरूर की गई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इस हादसे को कहीं ना कहीं बड़ा हादसा बताया गया, परिजनों के काफी आरोप भी नजर आया कि डॉक्टरों की तरफ से या फिर कहें अस्पताल प्रशासन की तरफ से समय पर सहायता नहीं मिल पाई है। मगर देखना होगा कि इसके अंदर कितनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो मुआवजा दिया जा रहा है वो किस तरीके से उन लोगों की मदद करता हुआ नजर आएगा। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।